नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं SBI कार्ड की तरफ से आने वाला इन कैश लोन के बारे में। आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर इन कैश मतलब कि पर्सनल लोन आपको मिलेगा, इसके बारे में आज हम पूरा रिव्यू करेंगे। आपको ए लोन कितना हद तक महंगा पड़ सकता है, कितना हद तक सस्ता है, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, काफी लोगों के कमेंट सवाल थे, मैं ए वीडियो बना रहा हूं। प्लीज अगर आपको आपके पास अगर ए ऑफर आया है तो आप कैसे लेंगे, इस वीडियो में हम सब कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो ये जो इन कैश लोन क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल रहा है ये सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, मतलब कि चुने हुए कस्टमर के जो ऐप है उसके अंदर ये ऑफर शो कर देगा और आपके कार्ड की जो लिमिट है उनमें से आपको एक कुछ जो है आपको लोन दे देंगे। अब ये लोन का नियम क्या है उसे आप थोड़ा समझ लीजिए। आपका इसमें वन टाइम प्रोसेसिंग फीस है, मतलब कि आपका मिनिमम 499 रुपीज और मैक्सिमम 3000 तक का, और आपका ये 2% मतलब कि आपसे 2% और 499 रुपीज और मैक्सिमम हाई से आपका 3000 तक ले सकते हैं। और ये जो लोन है फ्रेंड ये आपको मतलब कि 36 से 48 मंथ तक के लिए आपको मिल सकता है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब ये लोन क्या आपको कितना हद तक सस्ता है और कितना हद तक महंगा है, सो मैं आपको बता दूं, ये जो वन टाइम चार्जेस की बात है ये अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है कि आपको जब भी लोन मिलेगा तो 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000, 1.5 लाख यही मिलेगा। तो इसमें एक प्रकार से इसका जो वन टाइम चार्जेस है एक प्रकार से ठीक ठाक है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ICICI बैंक से लेते हैं तो वहां पे आपको 1% मतलब जितना आपका अमाउंट है उसके ऊपर 1% आपका लगेगा, तो एक प्रकार से ये ठीक ठाक है, उतना बुरा नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये है क्या ए लोन हमें कितना हद तक महंगा पड़ सकता है। जो आप EMI में कन्वर्ट करते हो, रेंट पेमेंट के नाम से पैसा बैंक में लेते हो, उससे आपको ये सस्ता पड़ सकता है, पर इस लोन को आप तभी लेना जब आपको बहुत जरूरत है, आपको इमरजेंसी में नीड है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो इस पैसे को आप मत लेना। मैं मना इसलिए कर रहा हूं कि SBI का जो सिस्टम है, जो कस्टमर केयर सर्विस टीम है, ये बहुत हद तक थोड़ा सा कमजोर है। क्यों? देखिए, अगर आपको कोई ऑफर आ गया, अगर आप उसे नहीं लेना चाहते हैं तो इनकी तरफ से रिमाइंडर कॉल आपके पास इतने ज्यादा आएंगे आप एकदम परेशान हो जाओगे। भाई अगर कोई ऑफर अगर आपको नहीं लेना, आपने मना कर दिया, तभी कॉल बराबर आता रहता है, तो ये चीजें मुझे थोड़ा से नहीं अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे जो इनकी सर्विस है, क्रेडिट कार्ड की सर्विस है और बैंक की सर्विस है, आप लोग को पता है कितना हद तक अच्छा है कितना हद तक बुरा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। बाकी ठीक ठाक है, गवर्नमेंट बैंक है भाई, ट्रस्टेड लोग इस पे अधिकतर करते हैं और लोग करेंगे भी क्योंकि गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे ये जो लोन आपको मिलेगा तो ये लोन आप जो है ये मत सोचना कि आपको मिल गया, हमको मिल गया, उनको मिल गया, सबको नहीं मिलेगा। तो इस लोन में कोई बुराई नहीं है, आप इस लोन को ले सकते हैं और इस लोन के बारे में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बैंक ने बताया है, बट उसमें कुछ चार्जेस IGST GST है, टैक्स जो अलग अलग होते हैं, ये जब आपका आता है बिल तो उसमें ऐड होके आता है। तो मिला जुला के ये आपको मतलब कि जो पर्सनल और बैंक से मिलता है उससे सस्ता नहीं पड़ेगा, ये बातें पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो आपको अगर ऑफर आता है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इसे मत लेना। ये मैं खुद को आप खुद से आपको मना कर रहा हूं कि आपकी मर्जी। तो आप बताना किन किन लोगों को ए लोन मिला, क्या आप ए लोन लेना पसंद करते हैं, क्या आपको मिल चुका है, क्या इसके बारे में आपका रिव्यू अपने कमेंट में जरूर देना। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर देना, उसमें शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नरसा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।